हेलो दोस्तों दोस्तों एक कमरे में पांच आदमी थे। उन पांच आदमियों के पास 100 100 100 100 रुपए थे और एक छेवां आदमी उस कमरे में आया। उस आदमी के पास 200 रुपए थे और जो ये सब देख रहा था उस आदमी के पास एक किताब थी। उस किताब की ज़रूरत उन पांचों आदमियों को थी जो कि उस कमरे में पहले से थे। उस किताब की कीमत रखी गई 50 से 60 रुपए और उस आदमी ने कहा जो किताब बेच रहा था उन पांचों आदमियों को जो कि किताब लेने के लिए उस कमरे में खड़े थे जिनके पास 100 100 100 रुपए थे कि इसकी कीमत 50 से 60 रुपए होगी और जो ज़्यादा पैसे देगा वो ये किताब ले जाएगा। तो एक आदमी ने सोचा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 100 ही रुपए हैं और मेरे को सब कुछ देख रहा है इसमें तो मैं 100 रुपये में से 50 रुपये किताब में नहीं खर्चूंगा। दूसरे आदमी ने कहा कि हाँ मैं 50 रुपये खर्च सकता हूँ लेकिन मेरे को ये देखना पड़ेगा कि बाकी जो लोग हैं 50 से ऊपर तो नहीं देते। तीसरे आदमी ने कहा कि मैं 52 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। चौथे आदमी ने कहा मैं 55 रुपये देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि पांचवा आदमी अब अकेला ऐसा बचा था जिसने सबको देख लिया था। उसने कहा कि मैं 56 रुपये दूंगा। जब उसने 56 रुपये कहा जो सबसे पहला आदमी जिसने ये सोचा था कि मैं 50 रुपये नहीं दूंगा उसके पास जो छठा आदमी बाहर से आया था वो आया। उसने कहा कि ये ले भैया मैं तेरे को 100 रुपया देता हूँ। इससे तेरे को जो साथ में खड़ा हुआ दूसरा आदमी है उसको मारना होगा। उसने क्या कहा? उसने कहा अरे वाह इससे तो मेरे पास पैसा भी आ जाएगा और एक आदमी भी कम हो जाएगा जिससे उस जो आदमी कम होगा उसका भी पैसा मेरे पास आ जाएगा और मैं ऐसा करूँगा। उसने उससे पैसे ले लिए और उसे कहा कि मैं ये किताब लेने के बाद ये काम कर दूँगा। तो हुआ ऐसा जब उसने पैसे लिए उसके पास हो गए 300 रुपये और 300 रुपये में से उसने बोला मैं 60 रुपये देने के लिए तैयार हूँ लाइए मुझे ये किताब दे दीजिए। उसने उस आदमी से जो किताब बेच रहा था उसने उससे किताब ले ली। जब उसने ये किताब ली जो 60 रुपये उसने उसको दिए बाकी उसके पास बचने चाहिए थे 40 लेकिन उसके पास बचे 240। अब जो आदमी किताब बेच रहा था वही उस कमरा जो इसको मैं स्टेट कहूँगा उस स्टेट को चलाने वाला था। उस स्टेट की जो ग्रोथ थी जो डेवलपमेंट थी वो उसी के ज़रिए होने वाली थी। उसी को सर्कुलेशन करनी थी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सब कुछ कर। अब ऐसी सिचुएशन में ये दिक्कत आन पड़ी कि जब उसको लगता था कि इस मार्केट में 440 रुपये होने चाहिए उस मार्केट में हो गए 640 रुपये। जिससे उसने जब कोई भी ऐसा टारगेट बनाया कि वो जिनके पास कम पैसा है उन कम पैसे वालों को कोई ऐसी हेल्प कर सके बाकियों से लिए हुए पैसे से तो वो ये देख ही नहीं पा रहा था कि जिसके पास पैसा कम है जो नहीं दिख रहा है उसके पास असल में सबसे ज़्यादा पैसा है। तो इस में उसको इकोनॉमिकल जो ग्रोथ जिसको हम अर्थशास्त्र में ग्रोथ या डेवलपमेंट का नाम देते हैं वो डेवलपमेंट और ग्रोथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी दिक्कतें आने लगी। उसने सोचा कि इसका हल कैसे किया जाए क्योंकि जो मैं तय कर रहा हूँ वो मेरे को मिल नहीं पा रहा है और जो मेरे को टैक्सेस क्योंकि टैक्सेस ही सोर्स ऑफ इनकम होती है गवर्नमेंट के लिए। टैक्स ही कलेक्शन जो होती है वही रेवेन्यू होता है। तो टैक्स का जो कलेक्शन था वो भी कम हो चुका था क्योंकि वो 40 रुपये वाला जो बचा था उसके पास उसको टैक्स या तो कम लग रहा था या नहीं लग रहा था। और उसने अपने वादे अनुसार एक आदमी को ख़त्म कर दिया बाकी बचे टोटल चार। अब चारों में से जो उस जो ख़त्म हुआ जो मारा गया उसका जो पैसा था वो भी चला गया उसके पास जिसने उसको मारा इसलिए उसके पास हो गए 340 रुपये। अब इससे क्या हुआ जब उसके पास 340 रुपये हुए और बाकियों के पास 100 100 100 100 रुपये थे तो अब उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। उसने उसकी बार्गेनिंग पावर का दुरुपयोग करते हुए हर एक चीज़ का भाव बाकियों से ज़्यादा देना शुरू कर दिया। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई चीज़ 10 रुपये की थी तो उसने कहा जो चीज़ 10 रुपये की और एक ही है मार्केट में मैं उसको 12 दे के खरीदूँगा।
जब उसने 12 देके खरीदा तो बाकी जो थे वो या तो वो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे या फिर उनको मजबूरन उनसे ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। इसको हम कहते हैं महंगाई या इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन का दायरा, जो इन्फ्लेशन का दर जो उस बंदे को तय करनी थी जो सबसे पहले किताब बेच रहा था, वो ऐसे चरण में ये तय ही नहीं कर पा रहा था कि इन्फ्लेशन की दर तय कैसे करी जाए, क्योंकि उसके पास जो अकाउंटेबिलिटी थी वो अकाउंटेबिलिटी थी ही नहीं, ना तो उस कैश की जो मार्केट में फ्लो हो रहा है और या उसकी जितना पैसा लोगों के पास है। तो ऐसे में उसने सोचा कि अगर मैं किसी एक को कहूँगा कि वो अपना पैसा मुझे दे तो हो सकता है दूसरा तब तक अपना बचाया हुआ पैसा किसी तीसरे को दे दे और इस मेरी प्रोसेस में बच जाए। तो उसने ऐसा किया। उसने क्या किया, उसने सबको कहा कि जो मैंने पुराने नोट्स जो जारी कर रखे थे मैं उनको ख़त्म करके, उनको इलीगल टेंडर करके मैं नए नोट इशू करूँगा। आपको मुझे पुराने नोट्स देने होंगे और उन पुराने नोट्स के बदले मैं आपको नए नोट्स दूंगा। इस प्रोसेस को कहा गया डीमोनेटाइजेशन। ये मैंने कहानी कहीं से पढ़ी नहीं है, ये एक एनालिसिस है, ये एक समझ है। एक सभ्य इंसान का फ़र्ज बनता है अवेयरनेस क्रिएट करना उन सभी के बीच जो कि आज देश में एक कंफ्यूजन में है, टर्मोइल में है कि हमारे जो लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के या अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है ये बहुत अच्छा होता है, कोई कहता है ये बहुत गलत होता है। तो आइए इसके लिए हम अपने दिमाग से ये सोचते हैं कि ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है, और लॉन्गर टर्म में ये अच्छा है या लॉन्गर टर्म में बुरा है, शॉर्ट टर्म में अच्छा है या शॉर्ट टर्म में बुरा है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, क्यों होता है, इससे पहले कभी हुआ है, कैसे इम्पैक्ट करेगा, इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी। 2000 का नोट ला दिया 1000 की बजाय, पेपर जो लोगों के पास काला धन था वो तो बाहर के अकाउंट्स में था और जो लोग हिंदुस्तान में हैं वो लाइनों में जाके खड़े हैं, ये क्या मतलब हुआ। तो आइए देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ और इसे क्या होगा और क्यों होगा। सबसे पहले अगर आपसे मैं ये पूछूं या आपसे कोई भी पूछे कि हिंदुस्तान में जिस देश में आप रहते हैं उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, तो अगर आप ये कहेंगे उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन है, तो आपका जो आंसर है वो सफिशेंट, वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि इस करप्शन से जो दूसरा कारण पैदा हो चुका है, जो बढ़ चुका है और इस कदर बढ़ चुका है कि वो करप्शन के इक्विवेलेंट पहुंच चुका है और जिसका कोई सलूशन नहीं है, वो है इनइक्वालिटी इन रिच एंड पुअर। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असामान्यतः एक अमीर और एक गरीब के बीच। जब एक अमीर और एक गरीब में जो डिफरेंस होता है वो इस कदर बढ़ जाता है कि अमीर आदमी अपनी बार्गेनिंग पावर का जो यूज़ है, जो उसका या यूज़ कहें या सदुपयोग कहें या दुरुपयोग कहें, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा कर सकता है किसी भी गरीब आदमी से। तो जो वो दायरा होता है वो एक ख़तरनाक रूप ले लेता है उस इकोनॉमी में, और उसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो परमानेंट सोल्यूशन एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जरिए ही किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स में काफ़ी फ़र्क होता है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है, तो उसके लिए जो शॉर्ट टर्म जो रिफॉर्म्स लिए जाते हैं वो स्पीडी होते हैं, वो काफ़ी फास्टर होते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से, और उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिलती है। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं उनका जो दायरा होता है वो बहुत ही वाइडेंड होता है, और जो उनकी आउटपुट होती है उसको देखने में काफ़ी टाइम लगता है। जब आप लोग देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की ग्रोथ जो है, हमारे हिंदुस्तान को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी या इमर्जिंग मार्केट या इमर्जिंग इकोनॉमी कहा जाता है, और हमारी जो जीडीपी है वो 7वीं है वर्ल्ड में, और अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी इट इज़ हैविंग पोजिशन ऑफ नंबर 3। तो उस दायरे उस को देखते हुए अगर आप ये कहें कि ग्रोथ तो हुई और डेवलपमेंट नहीं हुई, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क है। ग्रोथ और डेवलपमेंट चलती तो एक साथ हैं, लेकिन जो ग्रोथ का दायरा है वो डेवलपमेंट से कभी बार ज़्यादा बढ़ जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ग्रोथ जो होती है वो नंबर्स में होती है, जो डेवलपमेंट होती है वो दिखती है, क्वालिटेटिव होती है।
तो इसमें जो इनइक्वालिटी ऑफ रिच एंड पुअर जो कि मैं आपको बता रहा था, वो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट ना होने में किसी भी इकोनॉमी में कारण बनती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसा पैसा होता है जो इनकी इनको इनइक्वालिटी को दूर करने में लगाया जाता है। आई होप कि आप ये बात समझ रहे होंगे। जो पैसा लगने वाला था आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो पैसा वहाँ ना लग के सब्सिडीज़ में, पॉलिसीज़ में, मिड डे मील्स में, या कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ या स्कीम्स में लगाया गया, क्योंकि ज़रूरत वहाँ थी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले। चाहे आप बैलेंस देख सकते हैं दोनों चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन पॉवर्टी स्कीम्स में, लेकिन जो पैसा वहाँ लगाया गया, अगर वो दायरा होता ही ना, अगर वो गरीब होते ही ना गरीबी में, तो वो भी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी चीज़ों में लगाया जाता जो कि काफ़ी हद तक एक अच्छा रूप ले लेती आने वाले समय में। तो सबसे पहले देखा जाए तो इनइक्वालिटी का कारण हुआ क्या। अब हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी और आके बैठ गई। उसके बाद अंग्रेज़ों का काफ़ी देर तक राज रहा, 1600 ईस्वी से लेके 1947 तक। 1947 के बाद भी हिंदुस्तान बहुत अमीर देश था। अगर आज भी आपको कोई कहे कि हिंदुस्तान गरीब देश है, उसे उसे उसके मुंह पर जितना ज़ोर से आप थप्पड़ मार सकते हैं मारिए, और उसको आप ये फैक्ट्स बताइए जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ, या जो भी मैं आपको बताऊँगा। इनइक्वालिटी का कारण ये हुआ। सबसे पहले इनइक्वालिटी का कारण देखते हैं, बाद में बाकी सारी बातें देखेंगे कि हिंदुस्तान कैसे अमीर है और कैसे गरीब नहीं है। इनइक्वालिटी का कारण ये था कि जो लोग 1947 से लेके 1990 तक, हमारे पास इतना कैपिटल था ही नहीं कि वो कैपिटल को यूटिलाइज किया जा सकता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे हमारे तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। चलिए देखिए, छोड़िए टेक्निकल बातें, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक होता है सर्विस सेक्टर, और बाकी जो बाकी बचते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, माइनिंग वगैरह, ये अलग से इनको एक टाइम के लिए सेपरेट कर देते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, या जो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या जो फिशरीज ऐसे जो होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी में आते हैं, ये ही सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं। आपके पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके देश में अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उस नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर निकालने के लिए जो आपको मजदूर चाहिए, वो लेबर क्लास या फिर जो लोग चाहिए उनको ऑपरेट करने के लिए, उनका भी एक दायरा होता है, वो अमीर नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब, तब हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो कैपिटल इन्फ्यूज़ की जा सकती और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जा सकता, तो वो बढ़ावा नहीं मिल पाया। और जो लोग काम करते थे वो नियर अबाउट दे वर ओनली 15% एंड रिमेनिंग 85% वर इन एग्रीकल्चर और इन हॉर्टिकल्चर। आइदर हॉर्टिकल्चर वॉज ऑल्सो नॉट दैट मच इम्प्रूव्ड, वो तो 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद ही सब कुछ ऐसा हुआ, चलिए उसमें भी नहीं चाहेंगे। और दूसरा कारण, जब आप ये देख सकते हैं, आप ये जो है ना, ये चीज़ें हैं इनइक्वालिटी का कारण। ये क्या है? ये इन लोगों का, जो ये लोग किसी ना किसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में खड़े हैं जिन्होंने अपना कुछ काम करवाने के लिए इस आदमी को पैसे दिए हैं, जो किसी सरकारी सीट पे या कुछ ऐसी पावर पे बैठा था, जो अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहा था। जब ये पैसा इन्होंने इसको दिया, तो ये पैसा बन गया अनअकाउंटेड एंड कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट्स ऑफ वेरी फ्यू रिच पीपल, ठीक है? और जब कुछ ही लोग अमीर होते गए, अमीर अमीर होते गए, और गरीब गरीब होते गए, क्योंकि गरीबों की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा दर से बढ़ती गई, फर्टिलिटी ग्रोथ उनकी ज़्यादा होती गई, और जो फर्टिलिटी ग्रोथ जो अमीरों की थी वो कम है, मध्य वर्ग लोग जो हम जैसे आते हैं उनकी भी कम है। इसका कारण ये हुआ कि जो दायरा था अमीर और गरीब में, वो बहुत बढ़ गया, और हम जैसे जो मध्य वर्ग लोग थे, वो मध्य वर्ग लोग मध्य वर्ग में ही रह गए, और कुछ कुछ हम में से गरीब हो गए, कुछ हम में से अमीर हो गए, और कुछ हम में से वैसे ही रह गए। तो ये सबसे बड़ा कारण बना इस बोल्ड स्टेप का जो सरकार ने अब लिया है। इससे इसका कैसे नाश होगा, आइए अब वो देखते हैं। सबसे पहले काला धन होता क्या है? काला धन और काले धंधे में बहुत फर्क है। काला धंधे से जो मनी जनरेट होती है वो काली कमाई होती है, और काली कमाई हर काले धंधे से जनरेट तो होती है, लेकिन वो साफ धंधे से भी जनरेट हो जाती है।
कोई भी ऐसा कमाई जो आपने एक किसी भी सीट पे बैठ के किसी से रिश्वत ली, या फिर आपने किसी का कोई काम करवाया जो कि आपने पैसा अपने पास रख लिया, या किसी भी तरीके से आपने जो पैसा कमाया आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, आपने उसको टैक्स से बचा लिया, वो पैसा हुआ काला धन। सिंपल सी एक भाषा में आप रिश्वत लेंगे, अपने पास पैसा रखेंगे, आप उसको पैसे को नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास वो पैसा किधर से आया, ये आप नहीं कर पाएंगे। और आप उस पैसे को अपने पास जोड़ के रखेंगे, गद्दों में रखेंगे, छत पर रखेंगे, इधर उधर रखेंगे, और जब डिमोनेटाइजेशन होगी तब जला देंगे, गंगा में बहा देंगे, कूड़ों में फेंक देंगे, क्योंकि आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। अपने अपने एम्प्लॉयज़ को दो दो महीने की तनख्वाहें एडवांस दे देंगे। तो ये हुआ है डिमोनेटाइजेशन के बाद। आइए देखते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या होने वाली हैं। और एक और बात, अगर आप ये सोचते हैं कि जो लोगों ने पैसा चलाया या जो लोगों ने पैसा बहाया उन्होंने लायबिलिटी बनाया आरबीआई पे, तो आप गलत सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने काम ही आरबीआई का किया, वो आरबीआई के ऊपर लायबिलिटी होती है जो उसने पैसा इशू किया हो, क्योंकि जो पैसा इशू किया होता है उसके उसके अदर एक्स के उसके वो पैसा ऐसे ही नहीं प्रिंटिंग प्रेस से इशू हो जाता, उसके इशू करने से उसकी उतनी इक्विवेलेंट सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, सिक्योरिटाइज करना पड़ता है, उसके बाद वो पैसा आपको दिया जाता है। जब उन्होंने पैसा चलाया, उन्होंने जो लायबिलिटी दी आरबीआई की वही ख़त्म कर दी। अब देखते हैं कुछ टेक्निकल फैक्टर्स। एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, जो जिन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में ये बताया कि जो 50 बिलियन है हिंदुस्तान में वो हर साल इलेक्ट्रिकली आउटफ्लो हो जाता है, $50 बिलियन। अब $50 बिलियन हिंदुस्तान में हर साल आउटफ्लो होगा और 2.18 ट्रिलियन की हमारी टोटल इकोनॉमी है, तो बचेगा कितना? लेकिन हमारी तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रही है, कैसे हो रही है? फिर उन्होंने उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि हिंदुस्तान की जो काले जो हिंदुस्तान की ब्लैक मनी है वो मार्केट है $1 ट्रिलियन की। और अगर आप हिंदुस्तान की जीडीपी देखें तो जीडीपी हमारी है आउटस्टैंडिंग जीडीपी वो है $2.18 ट्रिलियन, नियर अबाउट, हो सकता है वो 2.5 हो सकता है 2.3 हो, नियर अबाउट $2.18 ट्रिलियन। हर साल इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, उसमें पता लग जाएगा 16-17 की कितनी थी और पिछले साल की 2.18 ट्रिलियन के करीब थी। तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ इसको एज्यूम कर लिए चाहिएगा, और है इतने ही करीब 2.18 ट्रिलियन के करीब से लेके 2.5 ट्रिलियन तक। तो 1 ट्रिलियन जो होगी वो काला धन हो गया, उस मतलब टोटल हो गया 3.18 ट्रिलियन, $3.20 ट्रिलियन। अब 3.20 ट्रिलियन में जो अकाउंटेबल था वो 2.18 ट्रिलियन था। अब 2.18 ट्रिलियन जो अकाउंटेबल है, जो $1 ट्रिलियन जो अकाउंटेबल ही नहीं है, उस पर टैक्स ही नहीं लग सका, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो $1 ट्रिलियन जो था वो था किसके पास, या तो वो आतंकवादियों के पास था, या वो बहुत अमीरों के पास था, या फिर वो कंपनीज ने अपने पास रख एज ए रिजर्व्स, मतलब रिजर्व्स तो सारी कंपनी के पास होते हैं, लेकिन अभी एक आदित्य बिरला वाला कुछ केस हुआ है, चलिए छोड़िए उस बात को, हर मतलब अनअकाउंटेड मनी जिनके पास भी थी वो किनके पास, अमीरों के पास है, जो जो टेररिस्ट फंडिंग कर रहे हैं उनसे वो फंडिंग आ रही है, किनके पास है, उन्हीं लोगों के पास है ना। तो इससे हुआ क्या, 1 ट्रिलियन देखिए उनके पास चला गया, और बाकी जो ट्रिलियन जो 2.20 ट्रिलियन बचा वो बाकियों में बंट गया जो कि ऑनेस्ट हैं, ठीक है, उनमें गरीब भी आ गए, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज से जनरेट हुई मनी भी आ गई, आपके पिताजी जहाँ काम करते हैं या आप जहाँ काम करते हैं वो भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसे जब हम शुरू में बात कर रहे थे इनइक्वालिटी का दायरा बढ़ जाता है। और इसके बाद आरबीआई ने ये कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट से 633 करोड़ जो नोट्स 1000 रुपये के और 1577 करोड़ 500 रुपये के मार्केट में थे, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये बनते हैं 86.4% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ 16,41,500 करोड़ रुपये इन द सर्कुलेशन। ये टोटल मनी है लगभग लगभग 18-20% ऑफ अवर आउटस्टैंडिंग जीडीपी, और बाकी जो है वो कैशलेस है, मतलब और हाँ हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा कैश ट्रांजेक्टेड इकॉनमी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, नियर अबाउट 18-20%। और जो द नंबर ऑफ द 500 नोट जो 500 के नोट थे और 1000 के नोट्स थे वो 76% से लेके 109% तक बढ़ गए 5 ही सालों में। देखिए ये जो कैलकुलेशंस होती हैं, जब आरबीआई ऐसी कैलकुलेशन करता है उस कैलकुलेशन में वो सारी सर्कुलेशन होती है, जो पैसा बैंकों में जमा कराया गया या फिर जो पैसा ग्रोस वैल्यू एडिशन में हुआ। जीडीपी का 3 मेथड्स होते हैं, इनकम मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। जब ऐसे टेक्निक्स लगाई जाती हैं उसे ये पता लगता है यार कि पैसा जमा भी था, सर्कुलेट भी हुआ और ग्रोथ भी हुई, और
जो ग्रोथ है उसकी, जो ग्रोथ की जो रेट है वो रेट तो पहुंच गया 7% पे, और जो पैसा काफी ज्यादा जमा भी था, ऐसे हो कैसे पाया? और जो कैश फ्लो मार्केट में जो कैश फ्लो था वो इतना था, और आरबीआई को फिर प्रिंटिंग करनी पड़ गई, तो ऐसा हुआ क्यों? तो उसमें जो स्टडी होती है वो उसे रिसर्च रिपोर्ट बनती है। रिसर्च होने के बाद काफ़ी जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं वो रिसर्च, वो ही रिसर्च करते हैं, और रिसर्च के बाद वो ये रिपोर्ट निकालते हैं, और उसके बाद एक पैनल बैठता है, वो पैनल ये डिसाइड करता है कि अगली मूव क्या ली जाए। तो इसलिए इस पैनल ने ये डिसाइड किया, जो कि काफ़ी देर से रिसर्च कर रहा होगा, कि अब जो डिमोनेटाइजेशन है वो कर देनी चाहिए, और उसी की एडवाइजरी, ये ऑफिशियली नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुई, तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके डिमोनेटाइजेशन के बारे में कहा, तो उससे पहले 2000 के नोट मार्केट में दिखने शुरू हो गए थे, और क्योंकि आरबीआई ही 2000 के नोट इशू करता, मतलब आरबीआई ही सिर्फ करेंसी को इशू कर सकता है, तो इसका मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन आरबीआई को पहले से थी कि 2000 का नोट मार्केट में आने वाला है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिसर्च हुई होगी या जो इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च की हुई होगी वो आरबीआई के डेटा को ही लेकर की गई होगी, जिससे ये साफ साफ दिखता है कि जो सर्कुलेशन ऑफ कैश फ्लो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर थी जितनी होनी चाहिए, जैसे कि हमने शुरुआत की थी जिस एग्जाम्पल से लेके, इसलिए ये डिमोनेटाइजेशन को किया गया। अब इसकी देखते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी। इसकी एडवांटेजेस होगी कि इसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी होगी या बढ़ेगी, उससे टारगेट सेट होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट टारगेट्स, इन्फ्लेशन टारगेट्स, और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ ही सबसे बड़ा एजेंडा लेकर चल रही है ये सरकार, इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन चलाई गई, इसीलिए काफ़ी ऐसी ज़्यादा स्कीम्स को लेकर आया गया जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी फायदेमंद साबित हुई हैं। चलिए हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सिमिलर ग्रोथ, यूनिफॉर्म ग्रोथ, गरीब और अमीर के बीच में यूनिफॉर्म ग्रोथ, और होना भी चाहिए। क्यों किसी को हक है गरीब होने का, क्यों किसी को हक है सिर्फ अमीर होने का, और गरीब को क्यों नहीं है अमीर होने का, ये सब आपको भी सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए। और हो सकता है कल को अगर मुझे मौका मिले या आपको मौका मिले किसी को ये बात बताने का, तो आप ऐसे बताइए कि जो जिसको आप बात बता रहे हैं, आपकी आपकी बात के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो, जिसे जिसे मोटिवेशन मिले, उस मोटिवेशन से एक सोशियो इकोनॉमी का जो फंडा होता है वो जनरेट हो, जो हमारे सोशल कॉजेज या नोबल कॉजेज होते हैं वो हमें ही बाद में आके उसकी जो आउटपुट है हमें फायदा देती है कर्मास। जैसे कि मैंने आपको बताया अकाउंटेबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी से टैक्सेस होगा, टैक्सेस ही रेवेन्यू होता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, जिससे रेवेन्यू डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट जो है वो कम होगा, क्योंकि हर साल हर सरकार को हर कंट्री को अपना बजट बनाना पड़ता है, वो उस बजट की अनाउंसमेंट होती है, उसमें ये बताया जाता है कि पिछले साल हमने क्या क्या प्लान किया था, जिसे हमारा कितना खर्चा आया, उस खर्चे को हमने कैसे पूरा किया, हमने कितना लोन बाहर से लिया, कितना पैसा हमने अंदर से ही हमारा डोमेस्टिकली जनरेट हुआ, और कितना हमने उसको यूटिलाइज किया। अगर वो ज़्यादा होता है खर्चा और इनकम जो रिसोर्सेज थे वो कम थे, तो वो डेफिसिट का रूप ले लेता है, अगर इनकम ज़्यादा थी तो वो सरप्लस हो जाता है, तो ऐसे ही बजटरी सरप्लस हो गया या रेवेन्यू सरप्लस हो गया। अगर कोई अकेला खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, जैसे आप अपने घर की बात ले लीजिए, तो वो फिस्कल हो जाती है, फिस्कल डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में थोड़ा ही फर्क है, इसमें एक में बोरिंग्स ली जाती है, एक में बोरिंग्स नहीं ली जाती, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो तीसरा एडवांटेज इसमें है टेररिस्ट फंडिंग। मैंने एग्जाम्पल में सबसे पहले जो एग्जाम्पल ली थी उसमें बताया था आपको, एक आदमी ने पैसे दिए और उड़ा दिया, वो था कौन, उसने किस चीज़ को बढ़ावा दिया, उसने बढ़ावा दिया टेररिज्म को। ये टेररिज्म नेबरिंग कंट्री से नहीं आता अकेला, ये हिंदुस्तान में भी जो नक्सलाइज हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल वो 300 करोड़ रुपए का कैश, 320 करोड़ रुपए का कैश अपने पास जमा करके रखते हैं, और टोटल कैश उनके पास जो अनुमानित है वो 600 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो इनमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जैसे अभी ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकल के आए जिन्होंने सरेंडर किया है, लेकिन फिर भी इनके पास जो कैश है वो 600 करोड़ रुपये का है, तो वो जब वो बाहर निकल के आएगा, अगर आएगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, टैक्सेस उस पर लगेंगे, नहीं आएगा तो अपने हथियार गिरा देंगे, हथियार गिरा देंगे तो अपने सिचुएशन नीचे आ जाएगी। इसकी एक दूसरी एग्जाम्पल लेता हूँ, कश्मीर में काफ़ी देर से कर्फ्यू लगा हुआ था, काफ़ी टाइम से वहाँ पे स्टोन पैलेटर्स जो थे पत्थर फेंक रहे थे आर्मी वालों पे, फिर ये पैलेट गन्स चलाते थे, पत्थर फेंकना पैलेट गन्स चलाना दोनों में खर्चा किसका हुआ,
जो पैलेट गन्स चली वो एक्सपेंडिचर हो गया, जो उन्होंने पत्थर फेंका उनको क्या मिला, उनको मिला जी रिपोर्ट के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से जो लोग कश्मीर में बैठते हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट होते हैं, जो एनालिस्ट करते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उनको हर रोज़ का 500 रुपया दिया जाता था, मतलब 2 दिन का हो गया 1000, और कितने दिन तक चला जाए 180 दिन से ज़्यादा, ठीक है 120 दिन से तो ज़्यादा ही था, ठीक है। और अब जब 10वीं के पेपर आए, हुर्रियत वालों ने तो वो ये स्कूल्स भी जलवा दिए, या इन्होंने स्कूल्स भी जलवा दिए, उसके लिए भी पैसा दिया होगा। आर्मी के पास हथियार कहाँ से आते हैं, हिंदुस्तान डिफेंस बजट जो रखता है, ये मिलिटेंट्स के पास हथियार किधर से आते हैं, इनके पास फंडिंग किधर से आती है, ये आती है अपनी नेबरिंग कंट्री से। जब इनके पास 1000 या 500 के नोट आते हैं, बनते कहाँ पे, बनते भी वहीं उनकी प्रिंटिंग प्रेस में है। अब जब उनकी, अगर आप कश्मीर से जाएँ, जो उनके घर हैं वो इतने आलीशान हैं कि आपको अपने घर जो है वो उनसे, उनके मुकाबले ऐसा लगेगा कि हमारे घर से कहीं ज़्यादा बढ़िया इनके घर है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे। तो वो जो वहाँ पे जो लोगों के पास पैसा है वो काफ़ी हद तक ऐसा ही है, उस पर लगाम लगेगी, काफ़ी हद तक लगाम लगेगी। 2000 के नोट पे काफ़ी ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। और दूसरी बात यह है, इसके ऊपर अब इतना फ्लो भी नहीं है। अब जिसके पास 1000 था वही 2000 था वही 2000 का नोट लेके जाएगा ना, और जब तक वो फ्लो मार्केट में पूरी तरह नहीं आ पाएगा तब तक क्या होगा। अब एकदम से ये स्टोन पैलेटर्स पैलेट्स भी बंद हो गए, स्कूलों में 95% 12वीं के बच्चों ने एग्ज़ाम भी दे दिए, कैसे हुआ जी सर? 8 तारीख के बाद ही हुआ ना ये सब, कैसे होगा? तो आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर टेररिस्ट फंडिंग के ऊपर लगाम लगी है तो लगती है, डेफिनेटली लगती है, हर कारण पे लगती है और दिखता है वो कारण। डिफ्लेशन होगी, डिफ्लेशन मतलब महंगाई कम होगी। मैंने आपको जैसे बताया, डिफ्लेशन होने का कारण क्या होता है? डिफ्लेशन होने का कारण ये होता है कि देखिए, एक कंपनी है जिसने एक चीज़ बनाई, उस चीज़ का खर्चा 1500 रुपये था, और जब उन्होंने दो बनाए तो उस चीज़ का खर्चा 1350, इकोनॉमी ऑफ स्केल था उनका बढ़ता गया, जिसे MRP घटता गया, लेकिन उन्होंने चीज़ वो बढ़ाई क्यों, प्रोडक्शन बढ़ाई क्यों? प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाई क्योंकि बाहर डिमांड थी। डिमांड कैसे थी? लोगों के पास पैसा था। पैसा किधर से आया? मार्केट में फ्लो था, जॉब्स थी, एम्प्लॉयमेंट थी। एम्प्लॉयमेंट थी, कैसे एम्प्लॉयमेंट थी? प्राइवेट कंपनीज थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, रिफॉर्म्स थे तो और जॉब कैसे बढ़ी? और जॉब्स ऐसे बढ़ी, कंपनीज ने पैसा बनाया। कैसे बनाया? फॉरन इन्वेस्टमेंट हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पैसा कैसे बढ़ा? एक्सपेंशन हुई तो जो डोमेस्टिक जो छोटी मोटी कंपनीज थी उनके उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? उन्होंने लोन लिया। लोन किससे लिया? लोन लिया बैंक से। बैंक ने लोन कहाँ से दिया? जो लोगों ने पैसा जमा कराया था। अब जब लोगों ने पैसा जमा कराया था, यहाँ होल्ड कीजिए, बैंकों में जो पैसा जमा करवाया गया है वो पीक पे पहुँच चुका है। डिपॉजिट्स आर ऑन पीक, लैक्स करोड़ ऑफ रुपीज आर डिपॉजिटेड इन बैंक्स, ठीक है। अगर अकेला SBI को ये देखें, ये चलिए एक बैंक को क्यों लेना है, अगर आप पूरे बैंक्स को देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स जमा करवाया गया है, करवाना ही था, करवाया गया है, आगे भी होगा। अब ये डिपॉजिट को, बैंक का प्राइमरी वर्क क्या होता है? बैंक का प्राइमरी काम ये होता है, डिपॉजिट्स को जो उनके पास एज अ लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को अपने एसेट में बदलना, मतलब उसको लेंड करना, उसकी यूटिलाइजेशन करना, उस कैश की यूटिलाइजेशन करना। जब उसकी उन्होंने उस कैश की उन्होंने यूटिलाइजेशन की, कैसे की? उन्होंने उसको क्रेडिट, एज ए क्रेडिट लोगों में बांटा। किनको बांटा? इंडस्ट्रीज़ को दिया। इंडस्ट्रीज़ को क्यों दिया? इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा हुआ? इंडस्ट्रीज़ को दिया तो इंडस्ट्रीज़ ने, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इंडस्ट्रीज़ ने उस क्रेडिट को एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ किया, उस इन्वेस्टमेंट से उनकी एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने लोन लिया, लोन लेके उन्होंने एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन हुई तो लोगों को जॉब्स मिली, जॉब्स मिली तो क्या हुआ? जॉब्स मिली तो लोगों ने कंज्यूम करना शुरू किया, कंज्यूम करना शुरू किया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी, और जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी उसे इकोनॉमी उसके, फिर उसके बाद जो MRP थे वो कम हुए, और डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो कभी भी नहीं हो पाती लेकिन लगभग लगभग जितनी होनी चाहिए वो आ गई, इसे डिफ्लेशन होती है, महंगाई की तरह कम होती है। और इसका दूसरा कारण ये भी होता, अब बैंक से ये सोच रहे थे कि पैसा क्रेडिट दिया कैसे जाए, है ना,
ब्याज की दरें तो काफ़ी ज़्यादा है, अगर हमारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोगों को उतनी ज़रूरत भी है। तो बैंकों ने क्या किया, उसका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट कम किया तो लोगों ने जमा करने के बजाय कंज्यूम करना शुरू किया, और कंज्यूम जब किया वही साइकिल दोबारा चला। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ा, कंपनियों ने सोचा कि हम एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन के लिए उन्होंने लोन लिया, लोन लेने के बाद उन्होंने एक्सपेंशन की, जॉब्स क्रिएट हुए, फिर कंजप्शन हुई, और ऐसे इकोनॉमी का जो साइकिल था वो चला। और इसी से एडवांटेज नंबर 5 में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, इसी से कंपनीज की वर्किंग कैपिटल भी, वर्किंग कंपनीज को वर्किंग कैपिटल भी मिली, और उनके जो प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने आउटसोर्स कर रखे थे या जिन कंपनियों ने उनको आउटसोर्स कर रखा था उनमें भी उनको हेल्प मिली, और इससे महंगाई की दरें जहाँ से हमने शुरू किया था वो तो कम हुई साथ के साथ। इकोनॉमिक साइकिल या मॉनेटरी साइकिल काफ़ी हद तक बढ़ गया, अच्छा हो गया। सो व्हेन देर इज इन्वेस्टमेंट इट बिकम्स ए एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल लाइक मी एंड यू इन अ वॉकिंग इन अ कॉर्पोरेट्स एंड इरेडिकेट द इनइक्वालिटी इन दैट वे। तो सबसे पहले जहाँ से हमने ये बात शुरू करी थी इनइक्वालिटी की, जब जॉब्स नहीं थे, जब जॉब जनरेट हुए तो इससे इनइक्वालिटी भी दूर हुई, इनइक्वालिटी का जो दायरा था वो भी कम हुआ, और जिस पर्पज़ से डीमोनेटाइजेशन की गई थी उस पर्पज़ का एक और हल और एक और टारगेट अचीव हुआ। अब एक और बात, देर इज अ फर्स अबाउट द पीपल हैविंग ऑल ब्लैक मनी इज इन अ फॉरेन अकाउंट्स एंड वी कॉमन पीपल आर स्टैंडिंग इन क्यूज। इन दैट केस आई वुड एडवाइज टू ऑल ऑफ यू दैट वी शुडंट फॉरगेट दैट द वे टू सोर्स ऑफ दैट मनी इन टू इंडिया इज वाया बैंक्स ओनली, देर इज अ नो एनी अल्टरनेटिव वे। जो बाहर के अकाउंट्स में लोगों के पास पैसा है, जैसे स्विस बैंक में या किसी भी बैंक है, जिन्होंने अपना पैसा जमा कर रखा है, उस पैसे को हिंदुस्तान में कैसे लाएंगे, वो बैंक्स के जरिए लाएंगे, डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर हिंदुस्तान में रुपी में कन्वर्ट होगा, डॉलर्स जब हिंदुस्तान में रुपी में कन्वर्ट होता है तो कैसे उसकी कन्वर्जन होती है, आरबीआई के थ्रू होती है, और जब वो कन्वर्जन होती है बैंक्स के थ्रू होती है, बैंक्स जब उस कन्वर्जन को करते हैं, छोटी मोटी कन्वर्जन तो वेस्टर्न यूनियन ऐसे ऐसे यहाँ से भी हो जाती है, जब उसकी कन्वर्जन होगी। सो नाउ आईटी डिपार्टमेंट इज़ अ वेरी वेरी एक्टिव एंड ईच एंड एवरी अकाउंट इज ऑन सर्वेलेंस। जब इसकी सर्वेलेंस है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, और जो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी उस पे टैक्स लगेगा, पेनल्टीज लगेंगी, और जो वो टैक्स है वो हमारी बनेगा एडवांटेज। वही टैक्स एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑफ अ गवर्नमेंट बनेगा, जिससे रूरल डेवलपमेंट होगी, सेल्फ जनरेशन होगी, इनइक्वालिटी इरेडिकेट होगी, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, एंड व्हेन दैट मनी विल बी यूटिलाइज्ड इन टू रिसोर्सेज द पीपल हु आर इन ट्रबल टुडे दैट डेफिनेटली दे विल बी हैप्पियर देन एवरीथिंग एल्स एट दैट टाइम। सो दीज वर फ्यू एडवांटेजेस एंड आई हैव ऑल्सो मैंशन वाई 2000 इंस्टेड ऑफ 1000। सो द रीज़न फॉर दैट इज द कैपेसिटी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस वुड, इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन ओनली, इट इज़ नॉट, आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम एनी रिसर्च रिपोर्ट और फ्रॉम एनी आर्टिकल और एनी न्यूज़ पेपर, आई एम जस्ट सेइंग वाट इज़ माई ऑब्जर्वेशन अबाउट दैट। माई ऑब्जर्वेशन इज द प्रिंटिंग कैपेसिटी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इज नॉट दैट मच दैट दे कैन प्रिंट इक्विवेलेंट और डबल अमाउंट ऑफ करेंसी नोट्स टू 500 एंड 1000 अगेंस्ट 500 एंड 1000 व्हेन दे डू नॉट हैव अ दैट मच कैपेसिटी एंड दे आर एंड इनफैक्ट आइदर दे आर यूजिंग देयर मैक्सिम यूटिलाइजिंग देयर मैक्सिमम कैपेसिटी दे आर अनएबल टू कंप्लीट दैट फ्लो। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ये किसी रिसर्च रिपोर्ट से नहीं लिया या किसी न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ा, मैं सिंपल से एक बात बोल रहा हूँ कि प्रिंटिंग प्रेस की जो इतनी कैपेसिटी है प्रिंट करने की, वो उतनी स्पीड में उतनी नहीं हो सकती थी शायद, कि वो 500 के नोट और 1000 के नोट के बदले अकेले 500 के नोट्स या अकेले 2000 अकेले 1000 के नोट्स ला पाती। और इसमें एक और चीज़ भी है, देखिए अगर आप ये कहते हैं ना कि इस पे 1000 के नोट के बदले 1000 आना चाहिए था और 500 का नोट पहले होना चाहिए था, तो एक बात जान लीजिए वो ये है कि ये ऐसा नहीं हो सकता था। एक
पीक थ्योरी होती है, जिसका ये होता है कि जैसे ये मैंने पढ़ी थी एक 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 रिपोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था, एक सेकंड में पानी पी। या ओके सो इसमें क्या कहा गया था कि समझिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, जो कि काला जो कि ब्लैक मनी है, और जिसमें सारे के सारे 100 के ओल्ड नोट्स हैं, ठीक है, मतलब 1,000 रुपये के जो 100 नोट्स हैं, 1,000 रुपये के 100 नोट्स होंगे तभी वो 1 लाख बनेगा। तो अगर आप उसको डिवाइड करें तो वो 10 इक्वल बंडल्स में हो जाएगा, जिसमें हर एक में 10 नोट होंगे, 1,000 × 10, ठीक है। और आप उसको एक टेबल में रख लीजिए, सबसे पहले एक मॉर्निंग में आप जाइए और उन 10 नोट के बदले जो आपके 1,000 के हैं, मतलब जो 10,000 बनते हैं, आप उस जो पहले दिन 10,000 आप लेके जाइए, मतलब 1,000 1,000 के 10 नोट, और उसमें बदला के लेके आइए और अपने लॉकर में रख दीजिए। फिर आप अगली मॉर्निंग में जाइए और 1,000 की वैल्यू के जो आपके पुराने नोट थे, फिर वो लेके जाइए और फिर वो बदल के लाइए और फिर वो अपने पास रख दीजिए। फिर तीसरे दिन जाइए, चौथे दिन जाइए, पाँचवें दिन जाइए। इसे क्या होगा, जब आप एक ही लॉकर में अपने पैसे रखते जाएंगे तो जो आपने 80 8वें दिन 80,000 रुपये आपके पास हो जाएगा, 20वें दिन आपके पास 20,000 रुपया जो बचेगा पुराने नोटों का, वो आप क्योंकि आपकी जो आपका मैक्सिमम अमाउंट है वो 20,000 है, आप मतलब कैलकुलेटिव करके कैलकुलेशन करके आप हर हफ्ते अगर ऐसा करते तो आप अपनी जो है IT रिटर्न ऐसा भी भर सकते थे कि जो आपने पैसा बदलाया वो सिर्फ 10,000 ही था, और जो आपकी कंजप्शन थी वो कंजप्शन ज़्यादा थी, आपने जो इनकम जनरेट की वो हर दिन 10,000 थी या हर हफ्ते 10,000 थी। होप आई होप कि आप ये छोटी सी एग्जांपल समझ पाए होंगे कि मतलब कहने का कि आपने 10,000 तो बदला और ला के अपने लॉकर में रख दिया, 10,000 रुपये जमा अगले दिन फिर आपने बदला लिए, फिर अगले हफ्ते के फिर आपने 10,000 10,000 2 दिन करके बदला लिए, मतलब हफ्ते की लिमिट जो 20,000 है, और 20,000 20,000 करके ये 40,000 हो गया। लेकिन जब आपकी IT रिटर्न आपका भरने का टाइम आया तो आपने 10,000 दिखाया, क्योंकि इसलिए आपने ये कहा कि मैं जो आपका कारोबार था जो आपका धंधा था वो हर दिन आप उसमें 10,000 जो पुराने नोट थे आपके पास आ रहे थे और आप 10,000 खर्च रहे थे। तो ऐसे ही 500 के नोट में भी हो सकता था, ऐसे ही 1,000 के नोट में भी, तो इस कारण से ये 2,000 का नोट मार्केट में लाया गया। ये मैंने कहीं से पढ़ा भी है और मेरी ऑब्जर्वेशन भी है कि प्रिंटिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, और दूसरा कारण जो ये मैंने जो आपको बताया, ठीक है। और इसके बाद डिसएडवांटेजेस, हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब मैं आपको ये पहले वाला एग्जांपल बता रहा था इसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी। जब आप 1,000 रुपये के नोट और 10 लेके जा रहे थे और आ रहे थे, वो 1,000 और 10,000 10 जो आप 1,000 रुपये के नोट 10 नोट लेके जाते थे और 10 नोट लेके आते थे, वो 1,000 रुपये के जब नए नोट मार्केट में आए, या जब नए नोट मार्केट में आए तो आपने नए नोटों को तो अपने अंदर रखा और पुराने नोटों को बाहर लेके गए और बताया कि मैंने मेरी जो कंजप्शन है सिर्फ 10,000 है और मैंने 10,000 ही खर्च किया है, और मेरी जो कमाई है आपने एक हफ्ते की वो आपकी 10,000 थी, ऐसा करके आपने आपने काफ़ी पैसा बदला लिया। लेकिन अगर ये 2,000 के नोट जब इशू हुए तो 2,000 के नोट इशू होने से क्या हुआ, आपने जो 10 नोट आपने 10 नोट लेके गए तो वो बनता है 2,000 से 20,000, मतलब आपको वो जो 1,000 1,000 के हैं वो आपको लेके जाने पड़ेंगे या तो 20 या आपको 10, अगर आप 10 लेके जाते तो आपको मिलते हैं 5,000 5 नोट, और 5 नोट आप अपने अकाउंट अपने लॉकर में रखते हैं। अब जब आप 5 नोट अपने लॉकर में रखते हैं तो जब नेक्स्ट डे आप जब आप 1,000 रुपये लेके जाते हैं तो वो 1,000 रुपये 2,000 से अलग हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी 2,000 × 10 मतलब 20,000 + 10,000 30,000 होती है, जो कि 30,000 ही होनी चाहिए। हाँ, एडवांटेज नंबर एट इज GDP ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, जब हम बात कर रहे थे ये सारी चीज़ों की, जिसमें एक्सप्लेन कर रहा था आपको ग्रोथ होगी, या जैसे वो मॉनेटरी साइकिल चलेगा, इकोनॉमिक साइकिल चलेगा, जब वो इकोनॉमिक साइकिल चलेगा, जब आप कंज्यूम करेंगे आपके पास पैसा होगा, जॉब जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, मार्केट में सर्कल होगा, कैश फ्लो होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, टैक्स जनरेशन हो, रेवेन्यू जनरेशन बाय टैक्स होगा, तो उससे GDP ग्रोथ बढ़ती है। GDP होता क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द मार्केट इन अ ईयर,
इज कॉल्ड एज ए जी डी पी. इसके तीन मेथड्स होते हैं, एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडिशन. आप तीनों में से किसी को भी ए लेकर देख सकते हैं कि जिस साल मार्केट में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन किसी भी सर्विसेज की या प्रोडक्ट्स की बढ़ती है तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट को. डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक साथ चलती है, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में जैसे आपको मैंने पहले भी बताया थोड़ा फ़र्क रह जाता है. ग्रोथ के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी हद तक बढ़कर आ जाते हैं और डेवलपमेंट कम होती है. आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप इधर उधर अपनी हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट तो है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट स्लो, थोड़ी स्लोअर है. इसे क्या होता है इसे थोड़ा फ़ायदा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि फिर आपको थोड़े आज की तारीख में हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस जो इश्यूज थे, जो अलग टैक्सेस इश्यूज थे, जो लीगल सिस्टम इशू था, जो सबसे बड़ा इशू था फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आने का, वो GST से उसको रेडिकेट कर दिया गया. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इनफ्लो होगा, कैपिटल इनफ्लो होने से जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है उसमें भी काफ़ी ग्रोथ आएगी, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उससे जरिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FIIs डायरेक्ट आएंगी तो चाहे वो PE के जरिए आए चाहे कैसे भी, उससे कंपनीज की कैपिटल इंक्रीज़ होगी, फ़ायदा होगा, एक्सपेंशन होगी और वो सर्कल दोबारा चल पड़ेगा. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी अल्टीमेटली का ये है. डिसएडवांटेजेस हसल है, खरीफ क्रॉप नॉट मार्केटिंग, मतलब कहने का कि आप लाइनों में खड़े होते हैं, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वाइफ हस्बैंड सब लाइन में जाके खड़े हैं, नोट्स लेके आ रहे हैं, 10,000 लेके जाते हैं, जमा करवाते हैं, 4,000 लेके जाते हैं. दिक्कत तो है, थोड़े दिनों की है, समझना पड़ेगा. मैं तो समझ सकता हूँ थोड़े दिनों की दिक्कत है, बाद में देखेंगे अगर ये दिक्कत रही फिर देखेंगे कि इस डिमोनेटाइजेशन को कर्ज किया जाए या इसको बूम कहा जाए. लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है, जैसे हमने एडवांटेजेस जैसे डिस्कस किए हैं, इसकी एडवांटेजेस ये क्यों किया गया है, अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा तो मेरे को इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे. और परस्पेक्टिव पॉजिटिव ही होना चाहिए हमेशा जब तक रिजल्ट ना निकल के आए. खरीफ, हाँ, फार्मर्स को नुकसान है, छोटे वर्ग के लोगों को सच में नुकसान है, बैगर्स को नुकसान है. कोई 10 रुपये देता था आज दे नहीं रहा है, 10 रुपये को आज 100 रुपये से ज़्यादा बढ़कर मान रहे हैं. खरीफ और रबी की क्रॉप में, खरीफ क्रॉप काटने के बाद पैडी स्टोर्स को जलाने के बाद 15 या 21 दिन का विंडो रहता है बीच में रबी क्रॉप की, उसको सो करने में, मतलब उसका बीज लाने में, उसको फर्टिलाइज करने में, उसकी हार्वेस्टिंग करने में, ट्रैक्टर्स को यूटिलाइज करने में, सब कुछ करने में सिर्फ 21 दिन की विंडो होती है. अब किसी फार्मर्स के पास, अब किसी किसान के पास या किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो बीज कहाँ से लेके आएगा. चलिए बीज सस्ता है, बीज ले आए. High yield variety of seeds are much expensive than low yield variety of seeds. हाँ, सभी अपने अपने क्रॉप्स को बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि जो इम्पैक्ट है, जो आउटपुट है वो ज़्यादा बढ़कर आए. तो थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चते हैं सीड में, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं अगर हाई यील्ड वराइटी हो, फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ता है, केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं, यूरिया यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए पैसा किधर से आएगा. आम लोग हैं, सब जानते हैं इन बातों को. ट्रेडर्स को नुकसान है, वो होलसेल ट्रेडर्स को नुकसान है, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब आप जानते हैं. NBFC को थोड़ा नुकसान है. कुछ ऐसे रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं जिनका जो सेविंग नहीं, मतलब डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं, लेंडिंग करते हैं, लेंडिंग के लिए पैसा किधर से आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं, बिल्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग होती है इनमें, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग होती है इनमें, उससे ये क्रेडिट इशू करते हैं. क्रेडिट जब इन्होंने इशू किया तो उस क्रेडिट की यूटिलाइजेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और भी जो NBFCs थे उनकी भी यूटिलाइजेशन जो क्रेडिट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. क्योंकि मैंने अपनी खुद से, मैंने अगर आप मैं खुद देखूँ तो मैंने नियर अबाउट 80% ऑफ माई क्रेडिट कार्ड आई हैव यूज्ड येट, क्योंकि मैं अभी क्या कर कह सकते हैं, मतलब जो ई वैलेट्स यूज़ करते हैं जिनके पास प्लास्टिक मनी है वो यूज़ कर रहे हैं. थोड़ा इसमें NBFCs को दिक्कत आएगी रीपेमेंट में, थोड़ा रीपेमेंट सर्कल बढ़ जाएगा. आइदर द प्राइमरी वर्क ऑफ बैंकिंग एंड NBFCs सेम, उनको लेंड करना होता है, उसे पैसा कमाना होता है. मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो रीपेमेंट होगी, रीपेमेंट में दिक्कत आएगी. क्योंकि आपके पास अगर पैसा, अगर आपके पास है और पैसे को आप अपनी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करना चाहते हैं उसके बजाय आप ज़रूरी चीज़ों में खर्च करेंगे या रीपेमेंट करेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा. और फार्मर्स जैसे उन्होंने यूटिलाइज़ किया है, अगर वो प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो इसकी आउटपुट उतनी नहीं निकल पाएगी जितनी होनी चाहिए. आइदर द गवर्नमेंट हैज़ डन गुड थिंग्स लाइक दे हैव इंक्रीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, काफ़ी चीज़ों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया है. वीट में, गेहूं में 1525 होता था, 1625 सीधा 100 रुपये बढ़ा दिया गया है. दालों में 400 रुपये बढ़ाया गया है. ये
मसूर की दाल पे 450 रुपये बढ़ाया गया है, 3950 रुपये उसका MSP कर दिया गया है। MSP मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो मिनिमम प्राइस जो सकता जो किसान को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें थोड़े लूप होल्स होते हैं। ग्राउंडनट की खेती हुई गुजरात में, 825 के करीब उसका MSP था और जो उनको मिला वो 500 से 600 रुपया था, काफ़ी ज़्यादा इशू निकल के बाहर आया था। वो अलग बात है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप और हम जैसे लोगों को करनी ही होगी अगर आप ये समझते हैं कि आपको और हमको आगे इकट्ठे मिलकर चलना है। तो ये थी डिसएडवांटेजेस। थैंक यू सो मच एंड कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। इट विल मोटिवेट मी टू डू मोर। थैंक यू सो मच एंड माय नेम इज प्रणय बत्रा।